और राजधानी रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली से वापस लौटे हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अलायंस कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को सौंप दी है। साथ ही 9 राज्यों में हम अलायंस पार्टनर के साथ सीट शेयरिंग करेंगे। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों की प्रमुख पार्टियों के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही 7 और 9 तारीख को बैठक है, उसमें भी शामिल होंगे। इसी कड़ी में भूपेश बघेल ने अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चंद्राकर जी सदमे से उबर गए हैं क्या? उनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। वे सोच रहे थे कि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगी, लेकिन दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए गए हैं। इंडिया एलायंस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे खड़गे जी और राहुल जी और वेणुगोपाल जी को हम लोगों ने सौंपा। जो 9 राज्यों में जो हमारे एलायंस पार्टनर हैं उनके साथ किस प्रकार से हम लोग वोट शेयरिंग सीट शेयरिंग करेंगे उसके बारे में बातचीत हुई। मुझे पूरी सहानुभूति है अजय जी पर। हम तो सोच रहे थे उसको मंत्रिमंडल में लेंगे, लेकिन उसको तो दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए।